ये लो। इतना बड़ा नोट खुले दीजिए ना। छुट्टे नहीं है मेरे पास। आपकी फ्रेंड के पास होंगे या किसी दुकान से ले लीजिए। मैं 20 रुपए के लिए दुकान दुकान भीख मांगती फिरूं। आप कल दे दीजिएगा। और कल मेरा मूड नहीं किया आने का तो? नहीं भी देंगे तो क्या करूं? चलेगा, मेरा गिफ्ट समझ लेना। गिफ्ट? मैं क्या कोई स्पेशल हूँ जो तू मुझे गिफ्ट दे रहा है? आपकी फ्रेंड को भी तो दिया है। अच्छा, फ्रेंड्स तो मेरी और भी है। ए नंदिनी, युविका, रिया, इधर आओ। आओ ना, ये जनाब मेरे फ्रेंड्स को जूस गिफ्ट कर रहे हैं। आओ पियो। बताओ क्या चाहिए? विद आइस, विदाउट आइस, मसाला? बीस के चक्कर में 200 का फटका खा गए भैया। इमीना, तुम्हें कबाब नहीं बन रहे क्या आजकल? खाने में नहाने में डफर। तुझे बड़ा शौक चढ़ा नॉनवेज का आजकल। मुझे आजकल हर वो चीज अच्छी लग रही है जो मेरे घर पर बैन है। पागल हो गई है क्या? कोई देख लेगा। चलना यार, पी के आते हैं। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? जानवी, ये देखना, ये बल्ली मुझ पे बहुत दिनों से लाइन मार रहा है। कौन? मुझे साला कोई लाइन नहीं मारता यार। ओमवीर सिंह की बेटी पे लाइन मार के मरना है क्या उनको? नहीं रे, बड़े बड़े हरामी हैं दुनिया में, बच्ची से बूढ़ी तक को नहीं छोड़ते। ये ओमवीर सिंह की बेटी क्या चीज है? तू ना अपनी जुबान ठीक कर ले। कभी कभी मुझे लगता है तेरी दादी से बात कर रही हूँ। ए मीना, मीना उधर देख, वो लड़का जो जैवलिन फेंक रहा है वो अपने गणेश जूस वाले जैसा नहीं लग रहा? वही है, स्कूल में खेल रहा है जैवलिन थ्रो। ए उमेश, ये जूस वाला अपने स्कूल के अंदर कैसे आया? कोच साहब है अपने, पता नहीं किस किस को पकड़ लाते हैं। कितना टॉल है यार, बाहर इतना टॉल नहीं लगता। बाहर वो मशीन पे झुका रहता है ना, इसलिए। कितना सॉलिड फेंक रहा है। ज्यादा इंप्रेस मत हो, जमुना पार्क का है तो। माफ कर दीजिए भैया। अरे हट भैया, प्लीज शट, रहने दीजिए भैया, मैं आपके सारे पैसे लुटा दूंगा भैया। शट शट भैया, धंधे का टाइम है प्लीज। कुछ नहीं मिलेगा, आज से दुकान बंद। प्रॉब्लम क्या है? गन्ना है, मशीन है, जूस दे। ये मशीन मेरी है, इसको दिया है किराए पे चलाने के लिए। भैया आज मंगल है, मैं बृहस्पति के साथ। बृहस्पति? रविवार की गोली बहुत खाली बेटा। कितना पैसा बाकी है आपका इन पर? क्या कह रहे मैडम? 3000। मैडम चुप, ज्यादा चपड़ चपड़ मत कर। चल आज इस महीने का हिसाब हो गया, अगले महीने की पहली तारीख को फिर आऊंगा, समझा? राधे राधे। आपने किस लिए पैसे दिए? क्यों, तू मुझे गिफ्ट दे सकता है, मैं तुझे नहीं। वो तो सिर्फ 2-4 गिलास जूस थे, और ये 3000 रुपए। और सच तो ये है कि मैंने सोचा था कि आप मुझे पैसे लौटा देंगे। चल तो तू भी देर सवेर ये 3000 चुका देना। कैसे? जूस पिला के। और कैसे टफर? 3000 मतलब 300 गिलास। कल से रोज आऊंगी ना तेरे स्टॉल पर। ठीक है मैडम। और ये मैडम मैडम बंद कर, मेरा नाम जानवी है। जानवी? सोनू, सोनू नाम। आफ्टर द एकेडमिक्स नाउ इट्स टाइम फॉर द स्पोर्ट्स ऑनर, सो लेट्स हियर इट फ्रॉम कोच साहब अहमद सिद्दीकी सर। पिछली होली की बात है, मैं रेलवे कॉलोनी से गुजर रहा था, वहां पर कुछ बच्चे होली खेल रहे थे। वहीं पास में टंकी के ऊपर कुछ शरारती बच्चे बैठे हुए थे और गुब्बारे फेंक रहे थे। तो इस लड़के ने 2-3 गुब्बारे उठाए, 3 गुब्बारे एक के बाद एक फेंके। न सिर्फ वो गुब्बारे वहां तक पहुंचे बल्कि उन लड़कों को लगे भी। मैं ये देख के बहुत हैरान हो गया, इतनी पावरफुल थ्रो, कंधे का इतना परफेक्ट स्विंग, इम्पैकेबल एक्यूरेसी, इट वॉज अनबिलीवेबल। उस लड़के ने मुझ पर भरोसा रखा, मैंने उसकी ट्रेनिंग शुरू की, उसने कड़ी मेहनत की और इंटर स्कूल चैंपियनशिप जीती। नेशनल चैंपियनशिप से वो लड़का एक कदम दूर है और ओलंपिक मेडल से 2 कदम दूर। आज मेरी बात, मेरे शब्द आप किसी डायरी में लिख लीजिए कि हमारे मथुरा का वो लड़का देश और दुनिया का आने वाला स्पोर्ट्स स्टार है, जिसका नाम है सूरज माली।
तालियों को डिजर्व मेरी माँ और कोच साहब करते हैं। मेरी माँ के संस्कारों की वजह से मैं एक अच्छा इंसान बन पाया और पिताजी को तो मैं कभी देख नहीं पाया, लेकिन मेरी माँ ने कभी उनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मेरी माँ मुझे एक चीज बार बार बोलती हैं कि अंधेरे से मत डरो, क्योंकि अंधेरे में ही तारे चमकते हैं। और जूस निकालते वक्त मेरे कंधे की जो एक्सरसाइज होती है, वही मुझे एक दिन ओलंपिक का मेडल जिताएगी। हाय, हेलो, कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू। वो राजू सेल्फी की जा रहा है। बहुत बोला था साला। थैंक यू। आज कौन बता रहे साले की? क्यों बे? ये जो तू यहाँ पे जूस का ठेला लगा रहा है, इसका कुछ लाइसेंस परमिट है तेरे पास? कोच साहब से पूछ के लगाइए, उन्होंने बात की मैनेजमेंट से। कोच साहब की हवा में कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है ये। सुन बे, ज्यादा कोच के चक्कर में मत पड़, ना घर का रहेगा ना घाट का। और कल स्टेज पे क्या ज्ञान की गंगा भरा था, ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। तेरे को कल स्टेज पे बुलाया, स्टार ने जाने क्या क्या बोला, उसको ज्यादा दिल पर मत ले, वो तो कोच साहब के मुंह में बवासीर है, हर साले से ही फूट जाती है। पिछले साले कई तरह लौंडा था अरविंद करके, उसको सचिन तेंदुलकर बना दिया। इंडिया तो क्या यूपी के अंडर 19 के 12th मैन तक नहीं गया, लट्ठे नाप रहा है कपड़ा मार्केट में। अपनी अपनी किस्मत है भाई, मुझसे कोई गलती हुई तो मैं माफी मांग लेता हूं। देख, गलती तो तुझसे हुई है, और गलती तुझसे ये हुई है कि तू अपनी औकात भूल गया साले जमुना पार कचरे की पैदाइश। बड़ा लड़कियों के साथ सेल्फी वेल्फी ले रहा है, लंबाई क्या हो गई, अपने आप को अमिताभ बच्चन समझने लग गया। करता क्या है तेरा बाप, झाड़ू लगाता है या कचरा बिनता है या तेरी तरह किसी गोलगप्पे का ठेला लगाता है? प्लीज बदतमीजी मत कीजिए। इसका बाप क्या करता है, तेरा बाप क्या करता है, इससे क्या फर्क पड़ता है भरत? मैं नहीं कह रहा था, आजकल कुछ ज्यादा ही छन रही है जूस वाले से। सुन जानवी, ज्यादा हाइट बॉडी के चक्कर में इंप्रेस मत हो, एक बार इसका बैकग्राउंड तो चेक कर ले। दिख रहा है इसका बैकग्राउंड, इसकी शराफत में, इसके अचीवमेंट्स में, और तुम लोगों का भी दिख रहा है तुम्हारी इन घटिया बातों में। और तू क्यों इनकी फालतू की बातें सुन रहा है, तेरे पास जबान नहीं है? सुन जानवी, अगर तू ओमवीर सिंह की बेटी है तो मैं भी शंकर उपाध्याय का भतीजा हूँ, तो अपने जो तेवर है ना मेरे सामने मत दिखाइयो। चल चल अब निकल यहाँ से, नहीं तो मार मार के जूते ना सारी रंगदारी निकाल दूंगी। यहीं के ये जूते से मारेगी हमें। अभी बताता हूँ तेरे को तो मैं। हम अभी जब ढाबे पे पहुंचेंगे तो कुछ खा लें। अच्छा, वो मीना बता रही थी कि उसकी दोस्त भी दिल्ली में रहती है, तो जब हम टाइम से पहुंच जाएंगे तो हम उससे क्या बोलते हैं? हाँ। हिंदुत्व और इस्लाम पर छाए खतरे के बादल, मथुरा में लड़का लड़की प्यार में पागल, बताओ भाई भाव से प्यार, भाव से फरार, शह से शहर, भाव से हाथा। साथ में हो तुम लोग? साथ में हो? हाँ। दिल्ली जा रहे होंगे? नहीं नहीं नहीं, जाओ जाओ, लाल किला, कुतुब मीनार, लोधी गार्डन खाली पड़ा है तुम लोग के लिए। नाम क्या बताए? अपना काम देखो ना अंकल। है जी, अपना काम देखो आप। काम देखें अपना? अरे भैया, अपना काम तो देख ही रहे और साथ में कुछ और भी देख रहे हैं। बम्बई में एक फिल्म बनी थी। कौन सी? लिपस्टिक अंडर माय बुरका। मथुरा में भी एक फिल्म बन रही है। अच्छा। हाँ, कलावा अंडर माय बुरका। छुपाओ छुपाओ। शर्मा रुको, शर्मा रुक, सर 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 सर, उसको मत मारो, उसको मत मारो सर, प्लीज कर देता हूँ। सर जय हिंद सर। सर मैं वो सोनू का कोच हूँ सर, वो बहुत प्रतिभाशाली है सर, वो बहुत अच्छा एथलीट है, उसने कुछ नहीं किया सर। ऐसा हुआ है, उस लड़के को चोट लगी हुई है, इस समय वो हॉस्पिटल में एडमिट है, जांच करके कार्रवाई की जाएगी। नहीं सर ऐसे, तुम तो वहाँ थी, तुम बताओ।
आपने उसे क्यों मारा सर? उसकी कोई गलती कोई बात नहीं है, रात में सब पता चल जाएगा। हाँ। वो लोग बदतमीजी कर रहे थे। ठीक है, आपने बता दिया ना, हम जांच कर लेंगे। हेलो सर, हम उधर ही आ रहे हैं। सर सर प्लीज सर। तो ये लड़का आपका दोस्त है जी? चाचू उसे बचाइए प्लीज, वो पुलिस वाले फालतू में उसको टॉर्चर कर रहे हैं। उसकी कोई गलती नहीं है, सारा किया धरा उस शंकर उपाध्याय के भतीजे का है, एक नंबर का गुंडा है वो। दोस्त तो इनका है, आप क्यों इतनी उत्तेजित हो रही हैं? चाचू प्लीज प्लीज। कौन से थाने में? स्कूल में तुम्हारे जैसे भले बच्चे भी हैं जान के अच्छा लगा। अच्छा मुझे एक बात बताओ, किसी बच्चे को पढ़ने लिखने का शौक हो तो स्कूल जाना समझ में आता है, अब ये खेलने कूदने के लिए स्कूल जाना मेरी समझ में तो नहीं आता, आप ही समझाओ ना इसको। क्या माँ आप कहीं भी चालू हो जाती हो? मैं चालू हो जाती हूँ? खेलने कूदने से किसी की जिंदगी बनी है आज तक जो तेरी बन जाएगी? ये सपने देखना बंद कर, नहीं तो ये हालत हो जाती है। हाँ भगवान ने आपकी सुनी ली, स्कूल से भी रस्टिकेट हो गया और भाड़ में गए नेशनल गेम्स। चल छोड़ जाने दे, तू राजेश के साथ दिल्ली चला जा। आप लोगों को हमारे यहाँ कुछ खाने पीने से परहेज ना हो तो शरबत शिकंजी लाऊं कुछ? लाओ लाओ चाची, थोड़ा हम भी पी लेंगे। चल तुझे तो जब देखो खाने पीने की पड़ी रहती। तुझे रस्टिकेट कर दिया वो भरत वगैरह? सिर्फ मुझे ही किया है। और कोच साहब ने कुछ नहीं कहा? कोच साहब कह रहे हैं कि वो मैनेजमेंट से बात करेंगे, पर मुझे सिर्फ एक ही बात की टेंशन है, वो अभी तक मैं आपका उधार चुका नहीं पाया हूँ ना, 150 ग्लास बाकी होंगे अभी तक। तो सच में पागल है। जय भीम। राधे राधे। हाँ जी कहिए। भाभी इतना बड़ा कांड हो गया और आपने हमको खबर नहीं किया? कोई कांड वांड नहीं हुआ है, मेरा बच्चा घर आ गया, मुझे इस मामले को और तूल नहीं देना है। देखिए भाभी, अगर एक बार बार सह गए ना तो वो लोग बार बार वार करेंगे, इनकी फितरत ही ऐसी है और हजारों साल से हमको दबाते आए हैं क्योंकि हम सहते आए, लेकिन अब वो समय गया, अब तो जमाना है कि हम उनके मुंह में मुंह देंगे। अपने बेटे को कहिए कि हमको उन लौंडों का नाम बताए और उस एसआई का भी नाम बताए जिसने इसको पीटा है। 3 महीने के बच्चे को ना पेट से बांधकर दर दर भटकती रही काम के लिए, तब नहीं आया आपका कोई पार्टी वाला मदद करने के लिए? इतने सालों तक ना अपने बच्चे को अकेले पाला है और अकेले संभाल लूंगी, और आप लोग ना उसी की मदद करते हैं जिसमें आपका फायदा हो, मुझे नहीं बनना आपका खिलौना। चले जाइए यहाँ से। भाभी आप यहाँ से जाइए, मैंने बोला ना। हम तो आपकी मदद करने आए। देखा है बहुत मदद करने वाले। अरे एक ही चैनल लगा रहने दो ना रणवीर। ये ले बेटा। जानवी कैसे बैठी हो? पापा बैठे को लिहाज शर्म है कि नहीं है? लड़की के लक्षण तो देखो ना, उठने बैठने का तरीका, ना खाना पकाने का शौक। अरे कहीं जाएगी ना तो नाक कटा देगी हमारी। बच्चे अम्मा बच्ची, तू माँ गए थे हमारी गोदी में इस उम्र में, हमको क्या है, बिगाड़ो जितना बिगाड़ना है।